तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष ठाकुर और मैं आपका आपके प्यारे YouTube चैनल वंडरिंग शीश में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बेसिकली मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा का स्टूडेंट हूँ। तो जैसे ही मेरे को ये कॉलेज अलॉट हुआ था, एक्साइटमेंट के चलते अपने मेडिकल कॉलेज का कैंपस देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करा। बट यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो बेसिकली किसी और के साथ ऐसा ना हो, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हिमाचल का वन एंड ओनली मेडिकल कॉलेज जो कि एक राजा के पैलेस में चल रहा है। अपने सामने न्यू ब्लॉक और एमरजेंसी बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, जिसमें से न्यू ब्लॉक के टॉप टू फ्लोर लैब्स को अलॉट करे गए हैं। और ये रही एमरजेंसी बिल्डिंग, जिसके बिल्कुल अपोजिट हमारी ओपीडी बिल्डिंग प्रेजेंट है। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि एक पैलेस यानी एक महल के बारे में बोल के हमें दिखा क्या रहा है। तो ये सारी बिल्डिंग्स हॉस्पिटल और लैब्स की थी, जहाँ पे मरीज अपना इलाज करवाने और स्टूडेंट अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जाते हैं। इन बिल्डिंग्स की डिटेल्स हम कभी किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। बेसिकली चलते हैं चंडी पैलेस यानी कि राजा के महल में, जिसका नाम है अखंड चंडी पैलेस, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज की थ्योरेटिकल क्लासेस रन हो रही हैं। साथ साथ में यहाँ पे कुछ हिस्सा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और कुछ हिस्सा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को भी बांटा गया है। सो दिस इज द चंडी पैलेस और इसका एरियल व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। सो जैसे ही आप गेट के थ्रू एंटर करते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक प्यारा सा फाउंटेन है, बट जिसमें अनफॉर्चुनेटली कोई पानी प्रेजेंट नहीं है। सो लेफ्ट टर्न लेते ही आपकी आंखों के सामने आता है दरबार हॉल। ये हॉल एग्जामिनेशन के टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल और क्लास के टाइम पे लेक्चर थिएटर और किसी फंक्शन के टाइम पे ऑडिटोरियम के रूप में यूज़ किया जाता है। तो दरबार हॉल अंदर से कुछ इस टाइप का दिखता है और ये फुटेज सारी हमारी फ्रेशर के टाइम की ली गई है। तो पैलेस का कुछ हिस्सा मेडिकल कॉलेज, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और कुछ हिस्सा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को दिया गया है। अगर आपको डिपार्टमेंट्स में जाना है तो ये सीढ़ियाँ उतरते ही एक आपको लेफ्ट साइड में गेट मिलेगा, जिसके थ्रू आप एंटर करेंगे तो वेरियस डिपार्टमेंट्स में पहुंच जाएंगे। तो बीच में आप देख सकते हैं MEU, और सबसे लेफ्ट में चलेंगे तो सबसे पहला रूम आपको देखने को मिलेगा सुपरिटेंडेंट रूम, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, उसके बाद आप MEU के एकदम राइट साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी और उसके साथ ही मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी। तो चलो अब सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ते ही अगर आप इन खिड़कियों के बाहर देखोगे तो कुछ इस प्रकार का प्यारा सा व्यू देखने को मिलता है। तो ये सामने आप देख पा रहे होंगे ये अकाउंट्स रूम है। अब इस गेट के थ्रू एंटर करते ही आपके लेफ्ट साइड को लेक्चर थिएटर 2 की एंट्रेंस है, और ये हमारा लेक्चर थिएटर 2 है जो किसी टाइम पे रानी का कमरा हुआ करता था। राइट साइड में आपके ई लाइब्रेरी है और लेफ्ट साइड में LT2 की एक और एंट्रेंस है। आपके राइट साइड को एनाटॉमी डेमो रूम है। थोड़ा सा आगे चलते ही टेबल टेनिस का ब्यूटीफुल सा टेबल रखा हुआ है, जहाँ पे आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, पर टाइमिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है जो कि 4 से 7 बजे तक है। और थोड़ा सा आगे चलते ही आप पहुँच जाते हैं रीडिंग रूम और लाइब्रेरी के सामने। राइट साइड में लाइब्रेरी है और लेफ्ट साइड में रीडिंग रूम।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेसिकली ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करा गया है, न्यू कैंपस जो अभी डेवलपिंग फेज में है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सरोल में बन रहा है, जो कि जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा बनके, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करें, और आपको वीडियो में कुछ लगा हो जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।